हे बच्चों, वेलकम बैक टू अमित फाउंडेशन। फाइनली बच्चों, हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वीडियो, जिसमें हमने आपको पहले पार्ट में आपको पढ़ाया था व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज करेंट, एंड इस पार्ट में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज रेजिस्टर। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो बच्चों। चलिए समझते हैं रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। चलो आ जाओ कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस पे। देखिए, हमने जैसे आपको पिछले वीडियो में बच्चों आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, जहां हमने आपको बताया था कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की, वैसे ही रेजिस्टेंस भी बेटा एक प्रॉपर्टी है। किस क्या है प्रॉपर्टी किसकी, कंडक्टर्स की, मैटर्स की, ठीक है, ऑल अराउंड द मैटर्स की। ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी मैटर उसके अंदर जो करेंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करता है, ठीक है। अगर आप वर्ड रेजिस्टेंस का वर्ड अगर आप समझ गए, रेजिस्टेंस का मीनिंग अगर आप समझ गए बेटा ना, तो आपको रेजिस्टेंस इन फिजिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज को अपोज करना या फिर किसी चीज को होने से रोकना, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड मतलब बेसिक मीनिंग है। अगर हम बात करें यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बेसिकली किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उस कंडक्टर में जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसको वो अपोज करता है, मतलब उस फ्लो को वो रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। दैट्स इट, रेजिस्टेंस और कुछ नहीं होता है। रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन ए मेटेरियल, ठीक है, कॉजिंग एनर्जी टू बी लॉस्ट एज ए हीट। देखिए, अब रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। पहली बात तो हमने अभी ये देख लिया कि रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक। अब रेजिस्टेंस का ये हमारा सिंबल है, कुछ इस तरह हमारा रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं। आगे आप जाके रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस रेजिस्टर है, ये हमारा रेजिस्टर है, ठीक है। दिस वन इज रेजिस्टर, दिस वन इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टर। और रेजिस्टर के पास ये प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की, कंडक्टर के पास भी होती है। ऑलमोस्ट सारे ही इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से जब उसमें से करंट पास होता है तो वो कुछ अमाउंट ऑफ करंट को वो रोक लेते हैं, ठीक। अब जरा बात करते हैं कि ये रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी एक्चुअली में आती क्यों है किसी कंडक्टर में, क्यों रेजिस्टेंस कोई भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस आता ही क्यों है। चलिए अब इस टॉपिक पे बात करते हैं, थोड़ा सा डीप समझते हैं ताकि हम लोग कभी भूल ना पाए इस टॉपिक को, ठीक है। तो हम बात करते हैं व्हाई रेजिस्टेंस अकर, क्यों रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर में, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा एक वायर है, ये मेरा वायर है बेटा, और अगर मैं इस वायर को कनेक्ट कर देता हूं बैटरी से, इस वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूं बैटरी से, हमने आपको बताया था कि बैटरी के पास होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात ध्यान देखिए, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, क्या नाम है बेटा बता दीजिए अगर आप लोग को याद होगा, वोल्टेज। किस नाम से, वोल्टेज। तो जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं किसी वायर से, ठीक है, तो इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर वोल्टेज है, वही सेम वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के पास भी हो जाता है, ठीक। जिसकी वजह से क्या होता है, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इस बात को ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्या मैंने बोला कि जैसे ही हम किसी वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो उस वायर के अराउंड एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो स्टार्ट करते हैं मूव करना, ठीक है, स्टार्ट करते हैं मूव करना फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बैटरी का ये वाला हिस्सा हाई पोटेंशियल पे होता है और ये वाला हिस्सा लो पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। तो जब हम बैटरी को वायर से कनेक्ट करते हैं तो ये वाला हिस्सा भी ऑटोमेटिकली हाई पोटेंशियल पे हो जाता है और ये वाला हिस्सा हमारा लो पोटेंशियल पे हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मेरे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना चालू कर देते हैं, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन इस
दिशा में मूव करना चालू कर देते हैं। ठीक, यहां तक तो कहानी बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, एक ट्विस्ट होता है क्या, कि देखो वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही होते हैं, एज वेल एज पॉजिटिव आयंस भी तो होते होंगे। पॉजिटिव आयंस मतलब बेसिकली वो मैटर या फिर वो एटम जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, उसके पास एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसके साथ साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव आयंस भी होंगे। ठीक, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आयंस भी होंगे। अब देखो, हमें दो चीज क्लियर हो गई कि हर कंडक्टर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। जब कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जब बैटरी इस कंडक्टर के अराउंड एक पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप कर देती है, जिसकी वजह से इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना चालू कर देते हैं। ठीक, अब होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हायर से लोअर, तब ये कोलाइड करते हैं विद दिस पॉजिटिव आयंस। यस, विद दिस पॉजिटिव आयन, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव ना करके कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ पास होते हैं। ठीक, हमने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करेंट। ठीक, और रेजिस्टेंस क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फ्लो को ड्यू टू कोलिजन अपोज किया जा रहा है विद इन ए कंडक्टर, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है। ये बात समझ में आई, रेजिस्टेंस कैसे अप्लाई हो रहा है बेटा, जब यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज इन पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेगा, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से लेट मी यूज दिस एंड दिस, जिसकी जैसे मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इससे, अरे इतना बड़ा छोटा कर लिया जाए थोड़ा सा इसको, ओके मीटर ही गया, जिसकी जब ये वाला इससे कोलाइड करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे रह जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इससे कोलाइड करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी रह जाएगा। जैसे इस फिगर में आप देखिए, मैंने पॉजिटिव एटम्स को रेड से डिनोट किया है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ब्लू से डिनोट किया है। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आगे मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये एक्चुअली में कोलाइड करेंगे किससे, इन फ्री एटम से, फ्री पॉजिटिव एटम से ये लोग कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से सारा के सारा इलेक्ट्रॉन इस वायर से ना मूव होके कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लड़के वापस आ जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स पास आउट हो जाएंगे। ठीक, तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स लड़ लड़के वापस आ जा रहे हैं, यही यही हमारे रेजिस्टेंस बताते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विद जिस जो रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज विद इन ए कंडक्टर। ठीक, ये हमारे पॉजिटिव आइटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब होता है कोलिजन, इन्हीं कोलिजन की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स ना जाके कुछ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं कंडक्टर से, और हमें लगता है कि कंडक्टर पूरे करंट को फ्लो ना करके कुछ अमाउंट ऑफ करंट अपने अंदर रोक ले रहा है एंड रेस्ट ऑफ देम को पास कर दे रहा है। ठीक, आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको बच्चों। चलिए, हमने समझ लिया क्यों रेजिस्टेंस होता है। अब हमारा क्या है, अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सी टॉपिक है जिसको कि बोलते हैं ओम्स लॉ। अब देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% आता है एग्जाम्स में। ठीक, देख लेते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ एंड हु इज दिस पर्सन। सो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज सीमन ओम्स। ठीक, जॉर्ज सीमन ओम्स इन 1826 इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1826 में, जिन इन्होंने क्या बताया था उस एक्सपेरिमेंट का क्या क्या कंक्लूजन दिया था। इन्होंने कंक्लूजन दिया था कि देखो, एक मिनट के लिए इसको स्टॉप करते हैं और एक रीचेक करते हैं कि देखो, किसी भी कंडक्टर में, अगर किसी भी कंडक्टर में, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं इस वाले में समझते हैं, अगर हमें इस कंडक्टर में करंट का फ्लो, कंटिन्यूअस करंट का फ्लो रखना है, अगर इस कंडक्टर में हमें कंटिन्यूअस करंट का फ्लो मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमको प्रोवाइड करना होगा एक कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस
या फिर मैं बात करूं एक अच्छा खासा वोल्टेज, ठीक है, यही बात करूं। मतलब देखो इस बात का क्या मतलब है कि अगर मैं चाहता हूं कि लगातार इस सर्किट में करंट फ्लो हो, तो मुझे इस सर्किट में इस बैटरी को, हमें इसकी बैटरी को कॉन्स्टेंटली एक अमाउंट ऑफ पोटेंशियल या फिर एक अमाउंट ऑफ चार्ज पे रखना होगा, तभी इसमें कंटिन्यूअस करंट का फ्लो होगा। ठीक है, ये बात हमको पता है। अब देखो ओम्स ने भी ये सेम एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने एक बात कही थी क्या, कि दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस दोस पॉइंट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब इस बात का क्या मतलब है, इन्होंने बोला था कि अगर किसी भी कंडक्टर में, अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के। अब इस बात का क्या मतलब है, जैसे मान लो इस बल्ब से हमारा करंट पास हो रहा है, इस बल्ब से हमारा करंट पास हो रहा है, ठीक है, इस बल्ब से हमारा करंट पास हो रहा है, तो जितना ज्यादा हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे, जितना ज्यादा हम इस बल्ब से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे, उतना ही ज्यादा इसमें से करंट पास होगा। ये बात बोला है ओम्स ने, ठीक है, यही ओम्स लॉ है और कुछ नहीं है बेटा, दैट्स इट। ओके, अब जरा ध्यान दो, अगर देखो अगर हम आप ओम्स लॉ का आपको वेरिफिकेशन, अच्छा एक चीज और, ओम्स ने ये बात भी बोली थी कि ये चीज तभी वैलिड है जब टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब कि ये जो सर्किट है इसका ओवरऑल टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए एकदम गर्म एनवायरनमेंट एकदम गर्म है और वहां पे आप चेक कर रहे हो कि जैसे जैसे इस बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा रहे हो ज्यादा ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। देखो जैसे मान लो ये बैटरी मेरी अभी 9 वोल्ट की है, ठीक है, तो इसमें से करंट पास हो रहा है आई, लेकिन अगर यही बैटरी को मैं 12 वोल्ट कर दूं तो इसमें से करंट फ्लो होगा 2 आई, ठीक है, अच्छा सॉरी ऐसे ना, ये ना करके 9 दूना 18 वोल्ट कर देते हैं, ठीक है, तो अब मेरा करंट कितना फ्लो होगा 2 आई। अब मैं और इसको बढ़ाता हूँ 36 वोल्ट कर देता हूं, अब मेरा करंट कितना फ्लो होगा, अब मेरा करंट फ्लो होगा 4 आई। ठीक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे उतना करंट मेरा फ्लो रहा है, यही बात बोला था ओम्स ने। ठीक है, चलो अब उसका अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखे तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, अगर हम इसी एक्सप्रेशन को बेटा, अगर हम इसी एक्सप्रेशन को वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसको यहाँ पे नीचे कर ले वी अपॉन आई, और जस्ट अ मिनट, हम पहले इस प्रोपोर्शनल साइन को ही हटा लेते हैं। देखो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है के, ठीक है, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट के है ये और कुछ नहीं बेटा रेजिस्टेंस है, क्या है, ये है रेजिस्टेंस, ठीक, जिसको कि आप डिनोट कर सकते हो आर से, जिसको कि आप डिनोट कर सकते हो आर से, ठीक। चलो ये हो गया मेरा फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, जस्ट अ मिनट, ये मेरा फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस हो गया बेटा, हमें पता चल गया रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। अच्छा यहाँ पे मेरे पास एक सिमुलेशंस है आपके लिए, अगर यहाँ पे ओपन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेट्स सी, हम आपके लिए एक सिमुलेशंस लेके आए हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे समझने में। वेयर इज माई सिमुलेशन एंड लेट्स गो हियर, ठीक है, चलो यहाँ पे एक सिंपल सा सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट में मेरे पास 1.5, 1.5 एंड 1.5, टोटल 3 एंड 4.5, ओके, क्या मैं लिख सकता हूँ इस पे, ओके, मेरे पास टोटल 4.5 वोल्ट की बैटरी है, जब 4.5 वोल्ट की बैटरी है तो मेरे पास 9 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो इस सर्किट में जैसे जैसे मैं बैटरी को बढ़ाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा, मेरा करंट इंक्रीज होगा, देखिए, ओके लेट्स इसको हटा देते हैं। अब देखिए जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, मैं जैसे जैसे करंट बढ़ा रहा हूँ मेरा, सॉरी, जैसे जैसे मैं पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा हूँ मेरा करंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब जस्ट उल्टा भी कर रहा हूँ, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी को रिमूव कर रहा हूं तो मेरे करंट भी रिमूव हो रही है। ठीक, अच्छा अब जब एक चीज नोटिस करोगे, ये देखो
ये जो कंडक्टर आप देख रहे हो ना, कंडक्टर, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, ये और कुछ नहीं बेटा, ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि कोलाइड करके रुक जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे रेजिस्टेंस को बढ़ाऊं, देखो जब मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं। अब मैं रेजिस्टेंस को कम कर रहा हूं, रेजिस्टेंस कम कर रहा हूं, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं। ये बात नोटिस किया आपने? देखिए मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को 10 कर दिया है, मेरा करंट कितना फ्लो हो रहा है, 120 मिली एम्पियर, मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स रुक रहे हैं, बहुत कम। अब मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दे रहा हूँ, देखिए मेरा करंट कम हुआ, करंट कम हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ज्यादा कोलाइड हुए। ठीक, तो इससे हमें समझ में आ गया कि ओम्स ने जो एक्सपेरिमेंटली बताया था कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, विच इज वैलिड एंड इट इज ट्रू। ओके, आई होप ये चीज समझ में आई होगी बेटा। ओके, तो अब जरा सब पढ़ लिए तो जरा एक चीज और पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है डेफिनेशन ऑफ वन ओम। वन ओम डेफिनेशन जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, वन ओम डेफिनेशन। देखिए हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, अभी आपको बताया मैंने। अगर हम यहां से V बाई आई निकाले तो वो बराबर होगा R के। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कर दें और करंट 1 एम्पियर कर दें तो ये मेरे 1 ओम रेजिस्टेंस के बराबर होगा, होगा ना? तो जब आपसे पूछा जाएगा डिफाइन 1 ओम, तो आप क्या बताएंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर विच इज 1 वोल्ट व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो अगर हम थोड़ी सी यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस को हमेशा मेजर करते हैं ओम्स में, या फिर आप अगर आपको कहीं 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 आपको वोल्ट एम्पियर इनवर्स में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, इंफॉर्मेटिव रही होगी। प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ पाए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।